चॉकलेट किसी भी ट्रीट को और भी अच्छा बना देती है। इसलिए आज मल्टीडू पर हमारे पास हर किसी का फेवरेट चॉकलेट फाउंटेन के साथ एक चुनौती है। अब समय है ये पता लगाने का कि आज हमारा क्या इंतजार कर रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चलो देखते हैं। वाह, कितना बढ़िया! स्ट्रॉबेरी, ये सच में स्वादिष्ट होते हैं। स्ट्रॉबेरी तो ठीक है, पर मिर्च, ये बहुत तीखे होते हैं। मुझे लगता है किसी की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। पर अब मैं और देर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपना स्ट्रॉबेरी अभी खाना चाह रही हूँ। मैं चॉकलेट को नहीं भूल सकती, इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। यह लाजवाब है। इसके पत्तों को हटा देती हूँ। अरे, चोट लग गई। अब दूसरी स्ट्रॉबेरी लेती हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं इसे दूसरे तरीके से भी खा सकती हूँ? तैयार? वाह, कमाल है, तुम काफी प्रतिभाशाली हो। क्योंकि मैं काफी अच्छी हूँ, इसलिए मैं इन सारे बेरी को इस तरह से खाऊंगी। बस उन्हें उछालना है और मुँह से पकड़ना है। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। खैर, पता चल गया कि ये इतना आसान नहीं है। तुम किस पर हंस रही हो? तुम्हें अभी भी अपनी मिर्च खानी है। सच में, मैं इसे बचना चाह रही थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चॉकलेट मुझे थोड़ा बचाएगी। यह मिर्च थोड़ी मीठी हो जाएगी। मुझे हालांकि इसमें शक है। मुझे भी, चलो देखते हैं। मुझे नहीं लगता इससे कोई मदद मिली। आग, मेरी तरफ नहीं, बचाओ, बहुत तीखा। वह असली आग थी। मुझे जल्दी कुछ पीने की जरूरत है। एमा, ऐसा लग रहा है कि तुमने तीखी मिर्च खा ली हो। हाँ, और यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी स्ट्रॉबेरी को जला दी। पर ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस बार हमें क्या मिला है? पॉपिट्स, बहुत बढ़िया। मुझे पॉपिट से खेलना बहुत पसंद है, ये काफी आरामदायक होते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर मेरा पॉपिट थोड़ा अजीब तरह का है। ये पॉप नहीं हो रहा है। हाँ, ये थोड़ा अजीब सा है। लगता है कि मैंने बटन तोड़ दिया है। यह किस तरह का पॉपिट है? इसकी महक बहुत अच्छी आ रही है, शायद मैं इसे खा सकती हूँ। यह गमी है, कितना बढ़िया। हाँ, इसका मतलब मेरा भी। अरे नहीं, यह गमी नहीं है। और मैं भाग्यशाली निकली, इसलिए मैं अपना पॉपिट खा सकती हूँ। पर इससे पहले मैं इस पर चॉकलेट लगाऊंगी। यह शानदार लग रहे हैं और यह बहुत स्वादिष्ट है। क्या मैं भी खा सकती हूँ? नहीं, तुम अपने असली पॉपिट के साथ खेलो। वैसे मुझे खेलना क्यों चाहिए? वास्तव में मैं इसके साथ कुछ अच्छा भी कर सकती हूँ। मैं एक असली शेफ हूँ, क्या अच्छा होगा। वह कहाँ गई? मुझे इसे फ्रिज में रखना है ताकि चॉकलेट जम जाए। वैसे मैंने तुमसे कहा था कि मैंने कुछ अच्छा सोचा है, और यह रहा एक चॉकलेट पॉपिट। इस तरह से यह गमी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होगा, खास करके अगर मैं इसे थोड़ा और चॉकलेट में डुबो दूं तो। Awesome! यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी पूरे जोश में हूँ, मुझे वो पॉपिट दो, मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। वैसे इसे कुछ क्यों बनाया जाए अगर इसके साथ खेल सकते हैं तो। अब दूसरे चॉकलेट का समय। अरे, पॉपिट कहाँ है? जोडी, इसे मुझे वापस दो।
ये मुझे दो। नहीं ये मेरी है, ये मुझे चाहिए। वह क्या था? अरे मेरे पास केवल आधा क्यों है? मैंने सच में अपने सिर में चोट लगा ली। मेरे पास भी आधा ही है। वाह, इसका मतलब हम दोनों के पास अपना अपना पॉपिट है। 3, 2, 1, चलो खोलते हैं। क्या प्याज? पर ये बहुत कड़वा होता है और मेरे पास छुपा छुप है। कितना अच्छा, मैं किस्मत वाली निकली। जब तक मैं अपना लॉलीपॉप खा रही हूँ, तुम अपना प्याज खाओ। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अपना छुपा छुप चाहिए। कैंडी के ऊपर ये रैपर इतने जोर से क्यों लगे होते हैं? मैं इसे खोल भी नहीं सकती। तुम क्या कर रही हो? तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था। अब शिकायत मत करो, तुम्हें अपना प्याज लेकर जल्दी से खाना चाहिए। ये लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर ये स्वादिष्ट नहीं होगा। शायद चॉकलेट से इसके स्वाद में सुधार हो जाए। नहीं, चॉकलेट से भी कुछ मदद नहीं मिली। ओह माय गॉड! जूडी बच्चों की तरह रो रही है। ये लो, और प्याज खाओ। तुम मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? देखो मैं मजबूत हूँ और वास्तव में बहादुर भी, इसलिए मैं इन प्याज को जल्दी से खा लूंगी। तो तुम्हें यह कैसा लगा? बस बहुत हो गया, ये बहुत खराब है। नहीं, मैं सब खाऊंगी। तो इसकी महक कैसी लगी? कितना खराब, छी। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब चुप हो जाओ, मैं अपना शक्कर खाऊंगी। चॉकलेट के साथ तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाता है। कितना बढ़िया, लजीज। पर ये बहुत धीरे हो रहा है और सच में एकदम उबाऊ। जल्दी करो, रुको। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मतलब ही लड़की, मैं जा रही हूँ। जाना है तो जाओ, मैं इसके स्वाद का पूरा मजा लूंगी। मुझे लगता है मेरा पेट पूरा भर गया है। तुम अब तक खा रही हो? इतनी देर क्यों? लगभग खत्म हो ही गया है। हो गया, पेट भर गया। आखिरकार अच्छा है। ओह, मुझे लगता है इसमें लंबा समय लग गया। okay. मैं पहले देखने जा रही हूँ। बुरा नहीं है, यह स्किटल्स है। अरे वाह, ये सच में स्किटल्स है। देखो यह कैंडी कितने बड़े हैं। यह सामान्य स्किटल से भी बेहतर है। देखो तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है, मछली। अगर इसमें इतनी दुर्गंध आएगी तो मैं इसे कैसे खा पाऊंगी? मैं यह नहीं कर सकती। मेरी आखिरी उम्मीद यह चॉकलेट है। तुम काफी समय लगा रही हो, तुम्हें जल्दी करनी होगी। ये तुमने क्या किया? तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह से चॉकलेट से ढकी हुई हूँ और मैं मछली की तरह महक रही हूँ। ये लो अपनी मछली खाओ। मुझे आशा है कि सच में एकदम घिनौना होगा। तुम बहुत बदमाश हो। ठीक है, चलो खाती हूँ। अरे वाह, मुझे पता नहीं था कि तुम यह कर सकती हो। वह भयानक था। ओह, मुझे नहीं लगता कि सब खत्म होगा। उप्स। ओह, कितना सुंदर मछली का कंकाल है।
नहीं, ये सुंदर बिल्कुल भी नहीं है, यह एकदम खराब है। अब यह समय है मेरी अपनी कैंडी को खाने का। इन्हें चॉकलेट के बिना खाना एकदम बोरिंग होगा। मुझे इस पर चॉकलेट डालना होगा। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। इससे पहले मैंने इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया है। मैं भी यह खाना चाहती हूँ। क्या मैं थोड़ा ले सकती हूँ? क्या, मेरे कैंडी को छुओ भी मत। उन्हें यहाँ वापस लाओ। मैं बस उसे चखना चाहती हूँ। मैंने कहा वापस दो। वाह, बुरा नहीं है। आप कैंडी को सीधे फाउंटेन से खा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या अब मैं थोड़ा ले सकती हूँ? छुओ मत। नहीं, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है। ये मेरी कैंडी है और इसका मतलब है कि यह चॉकलेट भी मेरी है। यह पता चल गया है कि चॉकलेट मछली और प्याज जैसी चीजों के स्वाद में कोई बदलाव नहीं ला सकती है, पर यह किसी भी डिजर्ट के साथ बहुत अच्छी लगती है। मल्टीडो की चुनौतियों में आप हमेशा मनोरंजक और दिलचस्प चुनौती पाएंगे। हमारे साथ बने रहें।